Chapter number 14, coordination and controlling. You have learned about the various functions of management and gone through the details of planning, organizing, staffing, directing functions. ठीक है, planning करना, फिर उसको organize करना, फिर उसके लिए staffing करना, फिर सारे instructions देने के होते हैं, directing करना. ठीक है, ये सारी चीजें करने के बाद, in this chapter we will learn details of coordinating and controlling functions. ठीक है, मतलब डायरेक्टिंग करने के बाद का ये प्रोसेस होता है कि कोऑर्डिनेट करना और उनको सारी चीजें समझाना. ठीक है, उसके बाद अगर फिर भी वो सही तरीके से ना करे तो उस पे कंट्रोलिंग करना. यू नो दैट द वेरियस बिजनेस एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस आर रूट एंड कैरीड आउट बाय द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स. ठीक है, अलग-अलग डिपार्टमेंट अलग-अलग सारी जो एक्टिविटीज हैं वो फुल कंप्लीट करते हैं एंड विद इन ईच डिपार्टमेंट देयर इज अ सब डिवीजन. ठीक है, डिवीजन एंड सब डिवीजन, हर एक डिपार्टमेंट्स में सब डिवीजन होते हैं. एक डिपार्टमेंट है उसके अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं. इन ऑर्डर टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल इफेक्टिवली देयर इज अ नीड ऑफ इंश्योर दैट एक्टिविटीज ऑफ सच डिवीजन सब डिवीजंस एंड डिपार्टमेंट्स आर हार्मोनाइज्ड ड्यूली मॉनिटर सो दैट द परफॉर्मेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कन्फर्म्स टू प्ले टू द प्लान्स एंड द प्रिस्क्राइब्ड टाइम शेड्यूल. This can be achieved through proper coordination and controlling of activities of the groups. Let us know, learn about the concepts of coordination and control in the various steps involved in the control process. ठीक है, मतलब जो भी हम लोगों ने प्लान किए होते हैं, प्रिस्क्राइब हम लोगों ने जो फॉरकास्ट किया होता है, जो भी प्लानर बनाया होता है, उस प्लानर को सक्सेसफुली कंप्लीट करना और हमारा ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव करना. ठीक है, वो सारी चीजें विद द हेल्प ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ कॉर्डिनेशन एंड कंट्रोलिंग, वो मतलब विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोलिंग हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे. तो इस चैप्टर में कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोलिंग पूरा एक्सप्लेन किया है. लेट अस स्टार्ट विद द मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन. इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क आर परफॉर्मड बाय वेरियस ग्रुप्स एंड नो सिंगल ग्रुप कैन बी एक्सेप्टेड टू अचीव द गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल. हेंस ठीक है, इट बिकम्स इनिशियल दैट एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट वर्क ग्रुप्स एंड डिपार्टमेंट शुड बी हार्मोनाइज्ड. इन सभी के बीच में हार्मोनी बनी रहेगी, हर एक पर्सन के बीच में, हर एक डिपार्टमेंट के लिए एक दूसरे को, हर एक डिपार्टमेंट एक दूसरे के डिपार्टमेंट से अच्छे से हार्मोनाइज रहेगा. ठीक है, और उनकी जो चीजें हैं हम लोग एक्सेप्ट करें, हमारी चीजें हैं वो लोग एक्सेप्ट करें, अकॉर्डिंगली क्या होता है, हार्मोनी बनी रहेगी, गुड रिलेशंस मेंटेन रहेंगे, उसकी वजह से वर्क एक्टिविटीज जो भी है वो अच्छे तरीके से फुलफिल हो पाएगी. ठीक है, दिस फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट इज नोन एज कोऑर्डिनेशन. तो ये जो चीज है मैनेजमेंट की, इसे हम लोग कोऑर्डिनेशन बोलते हैं, मिलजुल कर वर्क करना, दिस इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन. Ensure unity of action among individuals, work groups and departments and bring harmony in carrying out the different activities and functions so as to achieve the organizational goal effectively. ठीक है, सारे with the help of harmony. ठीक है, क्या होगा, carrying out the different activities and functions to achieve, हर एक activity को harmony के साथ complete करना, जिससे हम लोग हमारा organizational goal जो है effectively achieve कर पाएंगे. In other words, coordination is the orderly arrangement of individual and group efforts to provide unity of actions in the pursuit to of a common goals. ठीक है, हर एक पर्सन का खुद का एक गोल भी अचीव हो रहा हो, इस हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन वर्क करेगा. ऑर्गेनाइजेशन फॉर एग्जांपल द परचेस डिपार्टमेंट बायस रॉ मटेरियल फॉर प्रोडक्शन, द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोड्यूस द गुड्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट प्रोसीड ऑर्डर्स एंड सेल्स टू प्रोडक्ट. ऑल दिस डिपार्टमेंट मस्ट फंक्शन इन एन इंटरग्रेटेड मैनर सो दैट ऑर्गेनाइजेशनल गोल कैन ड्यूली अचीव. हर एक डिपार्टमेंट मतलब समवेयर एक दूसरे के साथ लिंक्ड होता है और वो एक दूसरे के लिए वर्क कर रहा होता है. ठीक है, रॉ मटेरियल परचेस किया, परचेस डिपार्टमेंट बायस रॉ मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन, वो लोग प्रोडक्शन के लिए क्या करते हैं, रॉ मटेरियल परचेस करते हैं. प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या करता है, प्रोड्यूस द गुड्स, फिर उसके बाद गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, फिर उसके बाद मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है, अकॉर्डिंगली वो सेल्स की सारी टेक्निक्स बनाता है, अकॉर्डिंगली वो उसको प्रोडक्ट को किस तरीके से सेल करे वो सारे मेथड्स को बनाता है और अप्लाई करता है. ठीक है, तो ये सारे जो फंक्शंस हैं इंटरग्रेटेड मैनर सो दैट द ऑर्गेनाइजेशनल गोल कैन बी अचीव्ड इजीली ड्यूली अचीव. ठीक है, दस और कोऑर्डिनेशन इन्वॉल्व्स सिंक्रोनाइजेशन ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज एंड एफर्ट्स ऑफ द वेरियस यूनिट्स, हर एक अलग अलग डिपार्टमेंट्स के यूनिट्स के सबके एफर्ट्स लगते हैं, तब जाके हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव कर पाते हैं. सो दैट प्लान्ड ऑब्जेक्टिव, जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव प्लान्ड है, मे बी अचीव विद अ मिनिमम कॉन्फ्लिक्ट्स. ठीक है, कम से कम कॉन्फ्लिक्ट्स में, प्रॉब्लम्स में जो हमारा गोल है उसे हम लोग अचीव कर पाए.
अकॉर्डिंग टू ब्रिंच कोऑर्डिनेशन इज अ बैलेंसिंग एंड कीपिंग. ब्रिंच जो है इन्होंने कहा है कि कोऑर्डिनेशन क्या है, इज अ बैलेंसिंग एंड कीपिंग टुगेदर. कोऑर्डिनेशन को बैलेंस करके रखना, उनको साथ में बनाए रखना एंड टर्म एंड टीम बाय इंश्योरिंग सूटेबल एलोकेशंस ऑफ टास्क टू द वेरियस मेंबर्स एंड सीइंग दैट द टास्क आर परफॉर्म विद अ हार्मनी अमंग द मेंबर्स देमसेल्फ. ठीक है, इस तरीके से सारे टास्क एक दूसरे को देना, वो सारे मेंबर्स को देना, जिसकी वजह से पता चले कि वो लोग जो भी एक्टिविटीज कर रहे हैं, जो भी टास्क कर रहे हैं, वो हार्मनी के साथ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. ठीक है, उनका एक दूसरे के साथ हार्मनी बनी रहनी चाहिए, जो भी टास्क वो कंप्लीट कर रहे हैं उसके साथ. सिग्निफिकेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन देखते हैं 42.2 14.2. द सिग्निफिकेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन एज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट मेनली अराइज फ्रॉम द फैक्ट दैट वर्क परफॉर्म बाय द डिफरेंट ग्रुप्स यूनिट्स और डिपार्टमेंट्स फ्रॉम इंटीग्रल पार्ट ऑफ दैट टोटल वर्क फॉर व्हिच एन ऑर्गेनाइजेशन इज एस्टैब्लिश्ड विदाउट हार्मोनाइज्ड एफर्ट्स or unit of action, achievement of goals in some departments may run counter to that of other departments, or the timing of achievements may not fit in a proper way. ठीक है, ऐसा भी हो सकता है. क्या है fact that work performed by the different groups, जो भी work सबने अलग अलग लोगों ने किया है, mainly arises. ठीक है, जो ये function of management जो है कहाँ से मतलब arise होते हैं, fact that work performed by different groups यूनिट ऑफ डिपार्टमेंट्स फ्रॉम इंटरनल पार्ट, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अलग अलग वो लोग अपना वर्क कर रहे होते हैं. तो द टोटल वर्क फॉर व्हिच ऑर्गेनाइजेशन इज एस्टैब्लिश्ड, वो सब मिलकर क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन गोल जो होता है वो अचीव होता है. ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट वाले अपनी अपनी एक्टिविटीज करते रहते हैं, जिसके बाद फाइनली एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है, और जो जिसके वो गोल प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस हो रहा है उसको सेल करने के बाद मतलब जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल है हम लोग उसको अचीव कर पाते हैं. तो हर एक डिपार्टमेंट इफेक्टिवली वर्क करेगा तो ही सामने वाला डिपार्टमेंट अच्छे से वर्क कर पाएगा. ठीक है, प्रोडक्ट वर्क ऑर्गेनाइजेशनल गोल इज एस्टैब्लिश्ड विदाउट हार्मोनाइज्ड एफर्ट्स और यूनिटी ऑफ एक्शन अचीवमेंट ऑफ गोल इज सम डिपार्टमेंट मे काउंटर टू दैट द अदर डिपार्टमेंट. ठीक है, ऑल द टाइमिंग ऑफ अचीवमेंट मे नॉट बी फिट प्रॉपरली. अगर एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट के साथ अच्छे से हार्मोनाइज्डली वर्क नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा कि अचीवमेंट ऑफ जो भी अचीवमेंट है, हमारा गोल जो अचीव करने का है हमें, उसको हम लोग इजिली अचीव नहीं कर पाएंगे. उसमें क्या हो सकता है, मे बी जितना इजीली हमने प्लान किया हो उतना इजीली अचीव ना होकर थोड़ा टाइम लगकर या फिर कुछ लॉस होकर हम लोग उसको अचीव करेंगे. ऐसा भी हो सकता है अगर प्रॉपरली हार्मनी के साथ अगर वर्क नहीं किया तो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में. दिस हैज टू बी अवॉइडेड एंड मैनेजर हैज टू प्रिवेंट ओवरलैपिंग एंड कॉन्फ्लिक्ट्स सो एज टू अचीव यूनिटी ऑफ एक्शन. यूनिटी ऑफ एक्शन जो है उसको अचीव करना है मैनेजर को. कैसे अवॉइड करेगा कि हार्मनी, उसको ऐसा एनवायरमेंट क्रिएट करना पड़ेगा जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो, हार्मनी बनी रहे, सारे के सारे मेंबर्स एक दूसरे के साथ मिलजुल कर वर्क करते रहे. विद इंक्रीजिंग साइज एंड स्केल ऑफ ऑपरेशन द सिग्निफिकेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन बिकम्स मोर इंपॉर्टेंट. जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन की साइज बढ़ेगी, स्केल ऑफ ऑपरेशंस बढ़ेंगे, एक्टिविटीज बढ़ेगी, सिग्निफिकेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन बिकम्स मोर इंपॉर्टेंट. उस वक्त कोऑर्डिनेशन होना हर एक मेंबर्स के बीच में जरूरी है. जब भी कुछ नए नए इवेंट्स प्लान हो रहे हैं, सारे के सारे इवेंट्स हमारे वर्क के साथ कंप्लीट करने हैं, उसके लिए हार्मनी होना जरूरी है. दिस इज बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन. लेट्स सी द रीजंस. व्हेन देयर इज अ ग्रोथ इन द साइज एंड द वॉल्यूम ऑफ वर्क देयर विल बी मोर पीपल एंड वर्क ग्रुप. जितना ज्यादा वर्क बढ़ेगा उतने ज्यादा लोग इन्वॉल्व होंगे. ठीक है, सो देयर इज अ ग्रेटर पॉसिबिलिटीज ऑफ पीपल वर्किंग एट अ क्रॉस पर्पस एज द यूनिट एंड सब यूनिट गोल्स मे बी कंसीडर्ड मोर इंपॉर्टेंट बाय देम एंड देन ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. नॉट ओनली दैट, द लार्ज साइज मे ऑल्सो लीड प्रॉब्लम्स ऑफ सुपरविजन एंड कम्युनिकेशन. हेंस कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज इन द लार्ज कंसर्न बिकम्स अ मेजर टास्क फॉर द मैनेजर. ठीक है, जैसे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, बड़ी बड़ी अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं और उनके गोल्स भी अकॉर्डिंगली होते हैं. ठीक है, सो इतने सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, उन सभी को एक सिंगल मैनेजर उसको सारों को कोऑर्डिनेट कर चलना, इट्स टू डिफिकल्ट फॉर हिम. ठीक है, सभी के बीच में हार्मोनी बनी रहे ये थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, इसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशनल गोल उसको अचीव करना होता है. ठीक है, सो क्या होता है, लार्ज साइज इन्होंने बताया. लार्ज साइज, अगर स्मॉल साइज का फर्म है उसमें कम डिपार्टमेंट्स हैं, दो या तीन डिपार्टमेंट संभाला, इट्स इजी. ठीक है, मतलब वो भी इजी नहीं होता है, बट उसके लिए इतना
हेक्टिक नहीं रहेगा जितने के बड़े बड़े फॉर्म्स में होता है, जिसमें जहां जहां पे 15-15, 20-20 डिपार्टमेंट है, उन सभी को कोऑर्डिनेट कर चलना, वो थोड़ा एज कम्पेयर टू 2-3 डिपार्टमेंट्स वो थोड़ा हार्ड रहेगा, मतलब उसके लिए थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा, ठीक है। सो समटाइम्स इसके वजह से भी ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने में प्रॉब्लम हो सकता है। एक्टिविटीज हैंस कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज इन अ लार्ज कंसर्न बिकम्स अ मेजर टास्क फॉर द मैनेजर्स। लार्ज ऑर्गेनाइजेशन जनरली टेंड टू हैव एक्टिविटीज एलोकेट टू द डिफरेंट प्लेसेस व्हिच मे नॉट बी परमिट फ्रीक्वेंट एंड क्लोज इंटरैक्शन अमंग पीपल, हेंस द नीड फॉर कोऑर्डिनेशन बिकम्स ग्रेटर एंड इट बिकम्स अ मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द मैनेजर्स। ये ठीक है, बड़े बड़े डिपार्टमेंट बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में इसकी मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, क्यों सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स में कोऑर्डिनेशन बनाए रखे, ठीक है, हार्मोनी बनाए रखे, क्लोज इंटरेक्शन अमंग पीपल। ग्रोथ इन साइज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज ऑफ्टन कंबाइंड विद द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, दिस मे बी ड्यू टू द न्यू अनरिलेटेड प्रोडक्ट बीइंग एडेड टू द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, एज अ रिजल्ट देयर मे बी अ मोर डिवीजन एंड सब डिवीजन ऑफ एक्टिविटीज, एट द सेम टाइम देयर इज एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ मैनेजरियल लेवल्स एंड वर्टिकल डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ऑल दिस मेक्स कोऑर्डिनेशन मोर डिफिकल्ट as well as important, ठीक है। जैसे मैंने पहले बताया कि जितना बड़ा डिपार्टमेंट होगा उसमें उतनी ज्यादा डिविजन्स बनेंगे, सब डिविजन्स बनेंगे एक्टिविटीज के, ठीक है। उसकी वजह से क्या होगा, सेम टाइम पे देयर इज एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ मैनेजरियल लेवल्स, मैनेजरियल लेवल्स में भी इंक्रीज होगा, ठीक है, एंड वर्टिकल डिविजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ेगी, ऑल दिस मेक्स कोऑर्डिनेशन मोर डिफिकल्ट, ठीक है। उसी तरह डिपार्टमेंट्स बढ़े तो डिपार्टमेंट्स के हेड भी बनेंगे, ठीक है, तो सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अलग अलग हेड, उन लोग के बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं, जिसके वजह से कोऑर्डिनेशन को अचीव करना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। और उस वक्त इंपॉर्टेंट है कि हम लोग कोऑर्डिनेशन बनाए रखें, जितने ज्यादा डिपार्टमेंट्स होंगे उतने ज्यादा डिपार्टमेंट हेड्स होंगे, सबके अलग अलग आइडिया, सबके अलग अलग व्यूज, सबके अलग अलग एक्सपीरियंसेस के हिसाब से वो लोग अपनी एक्टिविटीज को कंप्लीट करेंगे। समटाइम्स ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट्स और प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं जिसको संभालना एक मैनेजर का वर्क होता है, ठीक है। इन व्यू ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन इन ऑर्गेनाइजेशन इट इज समटाइम्स कॉल्ड द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, इट इज द फंक्शन ऑफ मैनेजर इन ऑल डिपार्टमेंट्स एंड ब्रांचेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड अप्लाइज एट ऑल द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, इट अल्टीमेटली हेल्प्स इन रिकंसिलिएशन ऑफ गोल्स, टोटल अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स, मेंटेनेंस ऑफ हार्मोनियस रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स एंड इंश्योरिंग इकोनॉमी एंड एफिशिएंसी इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये मैनेजर का वर्क होता है, हार्मोनी रिलेशनशिप बनाए रखे डिफरेंट ग्रुप्स में, ठीक है, इकोनॉमी एंड एफिशिएंसी को भी बनाए रखे ऑर्गेनाइजेशंस में। सो दिस इज ऑल अबाउट, हमने देखा सिग्निफिकेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, ठीक है, मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन देखा, उसके बाद सिग्निफिकेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन भी देखा, यू कैन रीड इट वन मोर टाइम टू गेट मोर डिटेल रिगार्डिंग द सेम आंसर। मीनिंग ऑफ कंट्रोलिंग, management planning results in framing of objectives and laying down of targets to achieve the objective, a proper organizational structure is designed, people are assigned to the various tasks and are directed to perform their respective jobs, the actual performance is then assessed from time to time to ensure that what is achieved is in conformity with the plans and targets, this exactly is the controlling function, ठीक है। मतलब मैनेजरियल प्लानिंग में क्या होता है, सारे ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं हम लोग, ठीक है, प्लानर सारे बनाते हैं, टारगेट्स बनाते हैं टू अचीव द ऑब्जेक्टिव, जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करेंगे। अब इसमें ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज डिजाइन, उसमें क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को हम लोग डिजाइन करते हैं, पीपल आर असाइंड टू वेरियस टास्क, डिफरेंट डिफरेंट पीपल, डिफरेंट डिफरेंट ऑथराइज पर्सन को हम लोग उनका टास्क को देते हैं कि उनको क्या चीज करनी है, ठीक है, एंड डायरेक्टेड टू परफॉर्म देयर रेस्पेक्टिव जॉब्स, और उन लोग को किस तरीके से सारी जॉब्स को करना है वो भी हम लोग उनको डायरेक्ट करते हैं। द एक्चुअल परफॉर्मेंस इज देन असेस्ड फ्रॉम द टाइम टू टाइम इंश्योर दैट व्हाट इज अचीव्ड इन द कन्फर्मिटी विद द प्लान्स एंड टारगेट्स, फिर हम लोग देखते हैं कि जैसे हमने प्लान किया है उसी तरीके से उन्होंने परफॉर्म की है एक्टिविटीज, उसी तरीके से उन्होंने अपना टारगेट अचीव किया है या नहीं किया है, ठीक है।
ensure that what is achieved conformity to plans and target. This exactly is controlling function. तो हम लोग जो देखते हैं कि जैसे हम लोगों ने प्लान प्लानर बनाया था, जिस तरीके से हमने टारगेट्स बनाए थे, उस तरीके से इस पर्टिकुलर पर्सन ने वर्क किया है या नहीं किया है, इस चीज को देखना इट इज नॉन एज कंट्रोलिंग फंक्शन. दस कंट्रोलिंग एज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट रिफर्स टू द इवैल्यूएशन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस. ठीक है, उन्होंने जो एग्जैक्टली परफॉर्म किया है, जिस तरीके से पूरा उन्होंने वर्क किया है, जिस भी पैटर्न में किया है, उस चीज का ध्यान रखना और पता करना कि हम लोगों ने डिसाइड किया था कि वो बंदा आपने 51 डे में 50 यूनिट्स बना रहा है, तो उसने 50 यूनिट्स बनाए हैं, उससे ज्यादा बनाए हैं, उससे कम बनाए हैं, अगर बनाए हैं तो किस क्वालिटी में बनाए हैं, किस क्वांटिटी में बनाए हैं, ये सारी चीजों का हम लोग इसमें ध्यान रखते हैं. ठीक है, वर्क असाइन असिस्ट प्लान और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस एंड टेकिंग द करेक्टिव एक्शंस इफ नेसेसरी. अकॉर्डिंग टू हेनरी फियॉल, control consists in verifying whether everything occurs in conformity with the plans adopted and the instructions issued and principles established. ठीक है, मतलब ये अगर उसने सही तरीके से वर्क नहीं किया है, अगर जितने भी उसने यूनिट्स बनाए हैं 50 के हिसाब से, चलो 45 बनाए हैं, बट 45 भी उसने अच्छे तरीके से बनाए हैं या नहीं बनाए हैं, उसमें भी कुछ एरर्स रह गए हैं. ठीक है, तो ऐसे चीज को मतलब 5 यूनिट्स क्यों कम बनाए हैं उसका रीजन फाइंड आउट करना, अकॉर्डिंगली उसके ऊपर वर्क करना कि इसको क्या मतलब प्रॉब्लम हुआ, इसने क्या प्रॉब्लम फेस किया जिसकी वजह से ये 45 ये बना पाया और उसमें भी इसने इस क्वालिटी का बनाया. ठीक है, उस चीज को जानना और अकॉर्डिंगली उसको गाइड करना. ठीक है, उसको कंट्रोल करना विद द प्लान्स अडॉप्टेड एंड फिर इस चीज को ध्यान रखना. मतलब जैसे हम लोगों ने प्लान बनाया था, अडॉप्ट किया था, इंस्ट्रक्शंस जैसे दिए थे, प्रिंसिपल्स जैसे बनाए थे, उसी तरीके से इसने वर्क किया है या नहीं. दिस इज कॉल्ड एज कंट्रोलिंग अकॉर्डिंग टू हेनरी फियॉल. अकॉर्डिंग टू द ब्रेंच, controlling is checking the correct performance against the predetermined standard consist in the plan. जो भी हम लोगों ने predetermined plans बनाए हैं, accordingly उसने current perform किया है या नहीं, with a view to ensure adequate process and satisfactory performance, and also recording the experience gained from the working of this plans as guide to possible future needs. ठीक है, मतलब उसी चीज को ध्यान में रखकर अकॉर्डिंगली उसको गाइड करना है कि इन फ्यूचर वो सारी प्रॉब्लम्स ऐसी क्रिएट ना करे. इन फ्यूचर उसने 50 का प्लान हम लोगों ने किया है, तो 50 ही प्रोडक्ट्स वो बनाए, 50 ही यूनिट्स वो बनाए, ऐसा अकॉर्डिंग टू ब्रेंच इन्होंने इतना इस डेफिनेशन में, इनकी डेफिनेशन में ये इंक्लूड किया है. प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर क्लोजली रिलेटेड एंड डिपेंड अपॉन ईच अदर. कंट्रोल डिपेंड्स अपॉन प्लानिंग बिकॉज प्लानिंग प्रोवाइड्स अ टारगेट और स्टैंडर्ड्स अगेंस्ट व्हिच एक्चुअल परफॉर्मेंस कैन बी कंपेयर. ठीक है, प्लानिंग और कंट्रोलिंग क्या है, एक दूसरे से लिंक्ड है, क्लोजली रिलेटेड है. क्योंकि क्या होता है, प्लानिंग के हिसाब से कंट्रोलिंग यहाँ पे है, कंट्रोलिंग डिपेंड्स अपॉन प्लानिंग, कंट्रोलिंग जो भी है प्लानिंग के ऊपर डिपेंडेंट है. ठीक है, क्योंकि कंट्रोलिंग तब करेंगे अगर सही से वर्क नहीं किया है अकॉर्डिंग टू द प्लान्स. ठीक है, डिपेंड्स अपॉन प्लानिंग बिकॉज प्लानिंग प्रोवाइड्स अ टारगेट. प्लानिंग क्या है, टारगेट प्रोवाइड करता है एंड स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड करता है जिसके अकॉर्डिंगली हमें वर्क करना है. असिस व्हिच एक्चुअल परफॉर्मेंस कैन बी कंपेयर. कंट्रोलिंग ऑन द अदर हैंड अपीयर्स प्लान. ठीक है, इसके हिसाब से कंट्रोलिंग चलता रहता है, प्लानिंग के हिसाब से. इट ब्रिंग्स आउट द शॉर्टकमिंग्स ऑफ प्लानिंग एंड हेल्प्स टू इंप्रूव अपॉन द प्लान्स. और ये हेल्पफुल भी रहता है कि वो प्लान्स को अगर आपको ऐसे लग रहा है कि भाई जैसे हम लोगों ने टाइम फिक्स किया है उसके हिसाब से 50 नहीं, उसके हिसाब से 48 ही बनते हैं या 45 ही यूनिट्स बन पाते हैं, तो अकॉर्डिंगली हम लोग प्लान भी चेंज कर सकते हैं कि भाई मैक्सिमम लोग 45 ही 46 या ही बन ही सकते हैं, 50 नहीं बना सकते. फॉर एग्जाम्पल, इन अ फैक्ट्री 10 वर्कर्स आर रिक्वायर्ड टू कट स्टील शीट इन टू द स्मॉल अराउंड पीसेस. द वर्कर्स प्लान प्रिस्क्राइब दैट ईच वर्कर कुड कट 40 पीसेस. ठीक है, यहाँ पे 10 वर्कर्स मतलब शीट्स को कट करना है. ठीक है, तो उसमें 10 वर्कर्स की जरूरत पड़ेगी स्टील की जो शीट है उसको कट करने में. इनके प्लानिंग के हिसाब से ईच वर्कर शुड कट 40 पीसेस. एक वर्कर 40 पीसेस को कट करेगा इन द डे, एक डे में 240 पीसेस पर वीक. एक दिन में 40 पीसेस कट करेगा, अकॉर्डिंगली 240 पीसेस पर वीक कट होंगे. आफ्टर वीक द मैनेजर फाइंड दैट आउट ऑफ 10 वर्कर्स 6 वर एबल टू कट ओनली 200 पीसेस ईच एंड 4 कुड कट ओनली 180 पीसेस. ठीक है, अब उसमें से 6 जो थे उन लोगों ने 200 पीसेस कट किए वीक में और इसने 4 जनों ने 180 पीसेस कट किए ईच. इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द कॉज ऑफ दिस डेविएशन इज एवलुएट द फिजिकल
फैसिलिटीज प्रोवाइडेड टू वर्कर्स इन द वर्क प्लेस। तो इस चीज को उन्होंने फाइंड आउट किया कि क्यों ये छह लोगों ने मिलकर 200 पीस बनाया और इन चार लोगों ने 180 पीस बनाए, इसके 20 पीस क्यों कम हुए, इस चीज को फाइंड आउट किया गया। तब जाके पता चला कि उनको जो फिजिकल फैसिलिटीज मिलनी चाहिए वो चीज को कंप्लीट करने के लिए वो उन्हें नहीं मिली थी। ऐसा हम लोग समझते हैं कि उनको वो चीज नहीं मिली, इस वजह से ये 20 पीसेस कम बना पाए। ठीक है, वर्क प्लेस में जो उन्हें मिलना चाहिए अकॉर्डिंगली वो नहीं मिला, इसलिए वो 20 पीसेस कम बना पाए। ऑन बीइंग सैटिस्फाइड विद दिस कंडीशंस द मैनेजर कंक्लूड दैट टारगेट ऑफ 240 पीसेस पर वीक इज टू हाई फॉर वर्कर्स टू अचीव। तो अकॉर्डिंगली वो मैनेजर ने डिसाइड किया कि 240 टारगेट अगर हम लोग रखते हैं तो ये ज्यादा हो जा रहा है, सो देयरफॉर इट शुड बी रिसीव्ड एंड 240 टू 200 पीसेस पर वीक हम लोग बनाते हैं। उससे जगह 240 की जगह हम लोग 200 पीसेस बनाने का टारगेट रखते हैं। दस मैनेजर रिवाइज द प्लान because control exercise indicate that standard he has fixed was unreasonably high and beyond the reach of workers। ठीक है, उसने जो standards बनाए हैं, उसने जो targets बनाए हैं, वो capability के बाहर के हैं, इसलिए ये इसको हम लोग वापस से कम करेंगे, जो normally के उसकी capability के हिसाब से जो बना पाते हैं वो 200 pieces है, तो वही रखेंगे। unreasonably high उन्होंने बना दिए थे, fix कर दिए थे। It may be noted that in order to exercise effective control, managers should not only have standards but also see that information on the gap between actual and standard performance is made available and actions taken to rectify the deviation, if any. This is initial because without such information, manager will not be able to measure the deviation, and without corrective actions, the entire control process would be meaningless exercise. ठीक है, मतलब अगर वो कम बना पा रहा है, ठीक है, अगर उसने जैसे उसने टारगेट रखा था 50 का, बट 50 में से वो 40 बना पाया या 35 बना पाया, तो वो 15 या 10 क्यों नहीं बने, उसके पीछे का कारण क्या है, वो जिसको जानना, अकॉर्डिंगली फिर करेक्टिव स्टेप्स लेना। ठीक है, अगर वो मतलब कोई इक्विपमेंट्स की वजह से अगर वो मतलब उसको he is not able to work effectively, तो उसको equipments provide किए जाए, या फिर because of his health issue अगर वो complete नहीं कर पा रहा है तो accordingly उसपे actions लिए जाए, या फिर कोई और reason है कि वो सही तरीके से work नहीं कर रहा है, ध्यान नहीं दे रहा है, ऐसा कोई reason है तो accordingly उसके ऊपर actions लेते हैं। ठीक है, such information, वो information find out करना कि क्यों वो नहीं कर पाया, accordingly corrective actions लेने के। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली कंट्रोलिंग प्रोसेस वुड बी मीनिंगलेस, और उसके बदल उसके अलावा क्या हो जाएगा, मीनिंगलेस हो जाएगा कंट्रोलिंग फंक्शन। यू शुड आल्सो मेक अ नोट दैट कंट्रोलिंग डज नॉट सिंपली इन्वॉल्व चेकिंग द क्वांटिटी ऑफ वर्क डन बट इज आल्सो इंक्रीज चेकिंग द क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है, क्वांटिटी वाइज ही नहीं, क्वालिटी वाइज भी उसको चेक करना है, द टाइम taken and the cost incurred. In the above example, suppose each worker could cut 240 pieces per week, but most of the pieces were not of the specific size, or there was an excessive wastage of steel or steel sheet. ठीक है, वो कट तो कर रहा है, ज्यादा कट कर भी दे रहा है, तो भी सही तरीके से उसने कट नहीं किया है, जैसे जैसे without any measurement अगर वो कट कर दे रहा है, so उसके वजह से क्या होगा, वेस्ट होंगे, स्टील की जो शीट्स हैं वो वेस्ट होगी। पहले उसने ज्यादा किए कट, बट उसने सही तरीके से मेजरमेंट लेके कट नहीं किया, ज्यादा कट कर दिया है, कहीं पे कम कट कर दिया है, सो इट विल बी सम टाइम मतलब आगे जाके वो वेस्ट ही होने वाला है। दिस वुड रिजल्ट इन अननेसेसरी लॉस, इसके वजह से क्या होगा, रिजल्ट में अननेसेसरी लॉस दिखेगा टू द ऑर्गेनाइजेशन। हेंस द मैनेजर हैव टू टेक स्टेप्स टू पे दैट The quality of work is improved and the wastage is reduced. Quality of work भी improve होना चाहिए और wastage को भी कम करना चाहिए। Thus controlling involves क्या-क्या controlling involve करता है? Knowing the nature, quantum and time frame of the work. ये भी चीज जानकर according to actions लेने के, compare the performance with the plans. परफॉर्मेंस को प्लान के साथ कंपेयर करो, एनालाइज डेविएशन, उसको जानो समझो क्यों इस वजह से क्या प्रॉब्लम की वजह से ये नहीं कर पाया है, सारी चीजें एनालाइज करो जब भी डिफरेंसेस आते हैं, तब टेकिंग करेक्टिव स्टेप्स और अकॉर्डिंगली उसके हिसाब से स्टेप्स लेने के, सजेस्टिंग रिवीजन ऑफ प्लान्स इफ नेसेसरी, अगर उसको रिवीजन करने की जरूरत पड़े, ऑफिस से उसको ट्रेनिंग की जरूरत पड़े तो ऑफिस से उसको ट्रेनिंग भी देना जरूरी है। This is all about controlling function, हमने देखा किस तरीके से controlling work करता है। ठीक है, 14.3 characteristics of
control. Let's see the characteristics. Planning is a basic of control. Okay. Control is said to be checking performance as per what has been planned. प्लान के हिसाब से हम लोग देखते हैं, कंट्रोल अकॉर्डिंगली होता है, ठीक है. प्लान के हिसाब से हम लोग उनका एक्चुअल परफॉर्मेंस चेक करते हैं, ठीक है. सो प्लानिंग प्रिस्क्राइब कंट्रोलिंग एंड सेट्स द स्टैंडर्ड एंड टारगेट टू परफॉर्मेंस, ठीक है. जो भी प्लानिंग हम लोगों ने बनाया होता है, जो भी स्टैंडर्ड हम लोग ने जो भी टारगेट बनाए हैं उसके अकॉर्डिंगली वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, सो अकॉर्डिंगली हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं. कंट्रोल इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है. इट इज एन ऑनगोइंग एंड डायनेमिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. It involves a continuous review of performance and is not a one-time exercise. The period of control normally depends upon the nature of work. ठीक है, control का period किसके nature of work पे dependent होता है. The amount of work and the policies of management. और कितना work कर रहे हैं और management की क्या policies है, accordingly चीजें control की जाती हैं. Control is all pervasive. Control is an exercise at all the levels of management and is done in every functional area. हरे functional area में, हरे department में control को किया जाता है, and at each unit of department, thus control is all pervasive. ये हर एक departments के लिए होता है. ऐसा नहीं है कि सिर्फ workers department के लिए ही होगा. उनके ऊपर supervisor होते हैं, उनके लिए भी लागू पड़ता है. उनके seniors से, वो seniors हैं, वो भी किसी के अंदर आते हैं, तो उनके लिए भी लागू पड़ता है controlling का part. Action is the essence of control. Control is an action-oriented process. Control क्या है? Action-oriented है. अगर ये ऐसे नहीं कर रहा है, तो इसके लिए ये apply किए करते हैं. अगर ये इस तरीके से work नहीं कर रहा है, तो आपको ये try करना चाहिए. कुछ actions लेने ही होते हैं, oriented process होती है. The very purpose of control is reflected in a corrective action is not taken for improvement of performance or the revision of plans. ठीक है, या फिर जो भी plan किया, उसका revision करने के लिए. Control is forward-looking. Control is a futuristic in nature. ये future के लिए हम लोग plan करते हैं. It measures current performance and provides guidance for the corrective actions. Current performance को check करते हैं, आगे के लिए उनको guidelines देते हैं. This ensures future performances as per the plans. Thus, it is forward looking. इसलिए future के लिए होता है. Why control is needed? Control की क्यों जरूरत पड़ती है? Controlling is one of the important function of management. ठीक है. It pinpoints the deviation from the basis of which manager can take corrective steps. जिसके हिसाब से हम लोग corrective steps ले सकते हैं. If no control is exercised, work may not be done as desired and efficiency may remain undetected. ठीक है, अगर controlling ना करें, तो desired जो भी हम लोगों ने target बनाया है, उसको हम लोग achieve नहीं कर सकते हैं. For example, suppose there is a workshop in which बुक बाइंडिंग इज डन. एक वर्कशॉप में बुक बाइंडिंग होने का वर्क एक्टिविटी चल रही है. द ओनर हायर फाइव पर्सन एंड टेल्स देम टू एटलीस्ट फोर बुक्स शुड बी बाउंड पर आवर. उनको फाइव पर्सन को उन्होंने हायर किया ओनर ने, और उनको कहा गया एटलीस्ट फोर बुक्स को आपको करना है बाउंड एक आवर में. द वर्कर वर्क फॉर सिक्स आवर. तो वो सिक्स आवर्स के लिए वर्क करते हैं. At the end of the day, he calls each of them, assesses the work done. He finds that he could find 28 books. वो 6 hours का work करते हैं, ठीक है? 4 बनाने के लिए बोला हमको. 24, ठीक है? 24 होना चाहिए उस हिसाब से. So यहाँ पे क्या बना है? A जो है वो 28 बना रहा है, B है 25 बना रहा है, C 24 बना रहा है, D और E 22 बना रहे हैं books, 20 और 22 books बना रहे हैं. He appreciates A. A को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया गया कि उसने 28 बुक्स बनाए. कंप्लेन्स हिम, ठीक है, सॉरी, ए वर्क एंड कंप्लेन्स हिम, ही वॉन बी एंड ई बिकॉज दे फेल टू अचीव द स्टैंडर्ड्स. ठीक है, डी और ई को उन्होंने क्या किया, उनको वॉन कर दिया कि आपने स्टैंडर्ड्स को अचीव नहीं किया. हैज एक्शंस टू कंप्लेन A and D and E is primarily due to the controlling process. ये सब controlling process है, ठीक है? Target लगा था आपने 24, 25 का और आपने बनाया है सिर्फ 22 और 20. अरे सामने आपके साथ work करने वाला बंदा 28 बना रहा है. So this is called controlling function. उसको
मतलब वार्न करना। सपोज ही डज नॉट चेक द वर्क एंड ट्रीट्स ऑल द वर्कर्स अलाइक और मे नॉट बी इंक्लाइन टू शो बेटर परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी ऑफ डी एंड ई विल नॉट बी डिटेक्टेड एंड इज लाइकली टू कंटिन्यू। ठीक है, मतलब अगर उसने कंट्रोलिंग नहीं देखा होता, मतलब उसने अगर देखा नहीं होता कि ये किस तरीके से वर्क कर रहे हैं, एट द एंड ऑफ द डे उसने ध्यान नहीं दिया होता, सबके इकट्ठा करके रख दिया होता, तो ये नहीं पता चलता कि किसने कितना बनाया है। और अकॉर्डिंगली डी और ई को हम लोग मतलब वो गाइड नहीं कर पाते, मतलब उनको अगर गाइड नहीं करते तो उनको भी ऐसा लगता कि चल रहा है तो चल ले दो, उन्होंने भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया होता। डी एंड विल नेवर डिटेक्टेड और वो ऐसा ही कंटिन्यू रखते हैं, मतलब हर बार 20, 18, 20 और धीमे 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 वो भी कम हो जाता, वो भी आराम से बनाए रखते। द इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोल हैज कंसिडरेबली इंक्रीज्ड नाउडेज ड्यू टू द सर्वल रीजंस। ठीक है, नाउडेज इसका इंपॉर्टेंस बढ़ गया है कंट्रोलिंग फंक्शन का। बिजनेस यूनिट्स हैव ग्रोन इन साइज, इंक्लूड्स अ लार्ज वैरायटी ऑफ ऑपरेशंस। ठीक है, बिजनेस यूनिट्स बढ़ रहे हैं और बड़ी बड़ी एक्टिविटीज की जा रही है। देयर इज अ ग्रेटर कॉम्पिटिशन इन द मार्केट अमंग डिफरेंट प्रोड्यूसर्स एंड सेलर्स। बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन है मार्केट में प्रोड्यूसर्स और सेलर्स के बीच में। हैंस द मैनेजर हैव टू मेंटेन एंड कंटिन्यूअसली इंप्रूव द एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशन। इसलिए मैनेजर को क्या मेंटेन करना पड़ता है, कंटिन्यूअसली इंप्रूव करनी पड़ती है एफिशिएंसी ऑफ द ऑपरेशंस। For this purpose, regular checking of the work done is required. इसलिए क्या regular checking जरूरी है जो भी work कर रहे हैं उसके लिए। This may also help in minimizing the cost and wastage. इसमें से क्या होगा cost और wastage को कम किया जा सकता है। It is also necessary that targets of achievement are raised from time to time. Target जो भी है time to time बढ़ने चाहिए। Employees duly rewarded for the better performance और उनको रिवॉर्ड अवार्ड्स देने चाहिए जिसकी वजह से वो परफॉर्मेंस इंक्रीज करे। दिस इज पॉसिबल ओनली थ्रू द प्रोसेस ऑफ कंट्रोल। ये सिर्फ कंट्रोलिंग के प्रोसेस से हो सकता है। दस कंट्रोलिंग हेल्प्स इन अचीविंग द टारगेट। कंट्रोलिंग हमको टारगेट अचीव करने में हेल्पफुल रहता है। हेल्प्स इन टेकिंग करेक्टिव एक्शंस ऑन टाइम देने में हेल्पफुल रहता है। मॉनिटरिंग और इंप्रूविंग द एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस इसमें भी हेल्पफुल रहता है। Helps in achieving better coordination बढ़ाने में क्या helpful रहता है। Helps in better planning बढ़ाने में helpful रहता है। Minimizing errors को कम करने में helpful रहता है। ठीक है, facilitate decision making के लिए helpful रहता है। Simplifies supervision और supervision भी हम लोग कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, relationship between planning and controlling देखते हैं। Planning fixes the goal standard to be achieved। Planning के वजह से goals और standard वो क्या हो जाते हैं fix हो जाते हैं अचीव करने जो भी है। कंट्रोलिंग चेक्स द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड फिक्स। जो भी स्टैंडर्ड फिक्स किया है उसको हम लोग कंट्रोलिंग के हिसाब से देख सकते हैं कि उन्होंने कितना किया है नहीं। प्लानिंग फिक्सेस द क्राइटेरिया फॉर कंट्रोलिंग। दस विदाउट प्लानिंग कंट्रोलिंग इज ब्लाइंड। प्लानिंग के बिना कंट्रोलिंग क्या है ब्लाइंड। Planning sets the course of action. Control compares the actual course and planned course. Control identifies deviation from the course and initiates corrective actions. Planning is fruitful when control is exercised. Planning fruitful रहेगा जब controlling कर रहे हैं वो। ठीक है, control अगर करते रहे तो planning ये fruitful रहेगा जो भी हमने planning किया है वो। Planning is forward looking as all plans are prepared for future. ठीक है, ये forward looking होता है क्योंकि सारे plans हमने future के लिए बनाए होते हैं। But it looks ahead on the basis of past data. Generally past data को compare करते हैं, so we can say planning is both backward looking and forward looking. Control is forward looking because control involves comparing the actual performance. Control क्या है forward looking क्योंकि ये actual performance को देखता है with the planned performance. ठीक है, controlling is backward looking because manager looks back at a previous year performance to find the deviation from the standard. अभी करंट ईयर के लिए हम लोग प्रीवियस ईयर्स के साथ स्टैंडर्ड के साथ देखते हैं कंपेयर करते हैं। लाइक प्लानिंग कंट्रोलिंग इज आल्सो बोथ बैकवर्ड लुकिंग। ठीक है, पिछले प्लानिंग्स को देखकर और फॉरवर्ड लुकिंग और आगे के प्लान्स को बनाने के लिए हेल्पफुल रहते हैं। तो ये प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग में क्या रिलेशन है हमने वो देखा एंड व्हाई कंट्रोलिंग इज नीडेड, कंट्रोलिंग क्यों जरूरी है वो 14.5, 14.6 process of control. The process of control consists of various steps. Let's see the following steps. Ram is employed in a garment manufacturing company
His job is that of sieving trousers. His supervisor specifies that he should sieve 20 trousers in a day. एक दिन में उसको 20 trousers बनाना. This is the first step of control process. ये first step हुआ, ठीक है? जब उसको बोल दिया गया कि तुम्हें 20 trousers बनाने हैं per day. Fixation of standards. At the end of the day, the supervisor counts the fine, counts and fine Ram has completed only 18 trousers. So, at the end of the day, dekha ke 18 trousers unhe bana hai. Thus, the measurement of performance is the second step. Usko measure kiya, to ye kya bana? Second step hua. This is the second step, okay? In the control process. Then, he compares it with the standards. फिर उसने उसको compare किया standards से. पहले तो हमने measurement किया कि उसने कितना काम किया है. उसने 18 बनाया. अब हम लोग उसको क्या करेंगे? Third step of the control process called comparison of performance with the standards. हमने क्या standard fix किया था? 20. 20 के comparison में इसने कितना बनाया? 18. While comparing the performance and other workers, he find that the two workers have produced less than the standard. When the supervisor tries to ascertain the reason for the poor performance, he finds that machines on which the other two workers were working had developed some fault. This is the fourth step in the controlling and is known as ascertaining the reason for the deviation. मतलब कि दूसरों के साथ कंपेयर किया तब जाके पता चला कि ये जो वर्कर है इन लोगों के मतलब क्यों इनके कम बने. तो ये जो दो वर्कर है उन लोगों की मशीन्स में कुछ फॉल्ट था इस वजह से ये लोग काम नहीं कर पाए अच्छे से. सो दिस इज द फोर्थ स्टेप के जहां पे हम लोग रीजन फाइंड आउट करते हैं कि क्यों इन लोगों ने पूरे जो स्टैंडर्ड फिक्स किए थे वैसे बनाए नहीं. देन इन ऑर्डर टू अवॉइड सच अनएक्सेप्टेड डिफेक्ट इन अ मशीन इन फ्यूचर द सुपरवाइजर डिसाइड्स दैट एवरी डे देयर विल बी एन इंस्पेक्शन ऑफ ऑल द टूल्स एंड इक्विपमेंट्स. This is a corrective action. तो उसने decide किया कि आगे ऐसा कुछ problem ना हो, आगे से 20 units ही बनाए, 20 trouser ही बनाए. तो इसलिए उसने fix किया कि रोज सुबह every day मतलब आते ही जब भी वो लोग काम start कर रहे हैं, तभी सारे के सारे tools और equipments का inspection कर लिया जाए कि वो अच्छे से work कर रहे हैं या नहीं. This is the corrective step. तो ये क्या होगा? Fifth and last step. There are five steps, ठीक है? Five steps उन्होंने बताए. Fixation of standard, पहले हमने standard fix किया, फिर measurement of performance, फिर जब उन्होंने complete कर लिया तो हम लोग ने measure किया, फिर comparison with the performance with the standards, फिर जो standards हमने बनाए थे, ठीक है? उन्होंने 18 units बनाए, तो वो 18 units को हमने हमारे standard 20 का बनाया था, तो उसमें हम लोग ने compare किया, दो unit कम पड़ रहे थे, फिर हमने क्या किया? उसका reason find out किया, reason find out करने के बाद हमें पता चल गया, तो उसके बाद हमने corrective action लिया, so ये है control process. स्टैंडर्ड बनाना, ठीक है? लेट्स सी, सेटिंग स्टैंडर्ड इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ अ कंट्रोल. स्टैंडर्ड्स बनाना, स्टैंडर्ड अराइजेस आउट ऑफ द प्लान्स एंड प्रोवाइड बेसिक कंपैरिजन. हमें तो कुछ अंदाजा आ जाता है. देयर कैन बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड्स जैसे कि नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस, कितने बनाने हैं पर आर वो पता चलता है. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट कितना और वो पता चलता है. परमिसिबल क्वांटिटी ऑफ स्क्रैप एंड वेस्टेज पर डे, quality of the product and so on. ये सारी चीजों पे ध्यान रखा जाता है. As far as possible, the standard should be laid down in a quantitative terms. ये हमेशा quantitative terms में देखते हैं हम लोग. A quantitative standards provides a concentrate measures and helps in comparison. Quantitative based होगा तो हम लोग हमें helpful रहेगा कि हम लोग उसको compare कर पाए easily. ठीक है, मेजर कर पाए. इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट दैट द स्टैंडर्ड्स फिक्स्ड आर रियलिस्टिक एंड अटेनेबल. जो भी स्टैंडर्ड हमने फिक्स किए हैं वो रियलिस्टिक होने चाहिए, ठीक है? मतलब जो चीज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि जितना टाइम पीरियड है उससे हमें कुछ जितना हो सकता है और कैपेबिलिटी के बाहर का हमने फिक्स कर रखा हो. जहां पे मैक्सिमम टू मैक्सिमम 20 यूनिट्स बन सकते हैं तो 20 हमने फिक्स किए, ना कि 50 हमने प्लान किए हो. Neither too high nor very low. या फिर बिल्कुल 5 यूनिट्स बनाना इतना आराम वाला काम भी नहीं, और ना ही 50 यूनिट्स बनाना इतना हाई वाला काम भी नहीं. In this, too high employees will be discouraged. अगर ज़्यादा काम हुआ तो employees क्या होंगे? Discouraged हो रहे हैं. On the other hand, if these are too low, the organization will operate a lower efficiency level. अगर ये low बनाया तो lower efficiency level से organization face करेगा, leading to the higher cost. When standards may not be achieved fully, a range of tolerable deviations should also be fixed.
This can be expressed in terms of minimum and maximum limits. Performance with a permissible range may not require any corrective actions. ठीक है, इसके बारे में पता चलेगा कि क्या actions लेने हैं और क्या actions नहीं लेने हैं। उसके बाद हमें क्या करेंगे? Measurement करेंगे performance का। When standards are established, the next step is to measure the performance at regular intervals. हम लोग regular intervals पे measure करेंगे performances उनका, कैसे हमने work किया है। Measurement is not difficult in the case of physical operations. Physical operations के time में इतना difficult नहीं रहता है। Units produced, cost incurred, time spent, etc. This can be easily measured. ये सारा easily हम लोग measure कर सकते हैं। Performances can be measured by observation, inspection, reporting. Generally at a lower levels, a detailed control is exercised in a frequent intervals. ठीक है, छोटे-छोटे levels पे क्या होता है? ये हम लोग इसको easily control कर सकते हैं on the basis of the observation and inspections के basis पे हम लोग इसको control वाले function को complete कर सकते हैं. For higher levels of management, reports are prepared. Higher level के time क्या होता है? Reports बनाने पड़ते हैं regular intervals पे. Performance should be measured as early possible. so that the corrective actions is called for it may be taken in time. ठीक है, ऐसे बड़े-बड़े ऑपरेशंस में पहले रिपोर्ट बनाने पड़ते हैं, फिर स्टैंडर्ड को कंपेयर किया जाता है, अकॉर्डिंगली फिर टाइम टू टाइम एक्शंस लिए जाते हैं. बट छोटे लेवल्स पे क्या होता है, डायरेक्टली हम लोग ऑब्जर्व करके इंस्पेक्शन करके उनको समझा दिया जाता है, बोल दिया जाता है. दिस इज द सेकंड पॉइंट. उसके बाद थर्ड पॉइंट पे आते हैं, comparison of performance with the standard. हम लोग compare करते हैं performance को standard के साथ. The next step in the controlling process is compare the actual performance. Actual performance को compare करते हैं against the standard. In case of standards that are well defined and can be measured objectively, comparison becomes very simple. तो इस वजह से क्या हो जाएगा? Comparison simple हो जाएगा. But in case of activities where it is difficult to develop measurable quantities, quantitative standard नहीं है, तो हम लोग measure करना थोड़ा difficult करता है. Measurement and appraisal of performance becomes difficult. measurement करना और performance को appreciate करना थोड़ा difficult हो जाता है. Comparison of actual and standard performance may lead to be three possible outcomes. Actual performance may be equal to, more than or less than the standard. जो भी हमने standard decide किया है, या तो फिर उसके जैसा ही बने, या फिर उससे कम बनेगा, या फिर उससे ज़्यादा बनेगा. If actual performance is equal to the standard, managers needed to take any action. But where deviations are noticed, corrective actions भी taken. जहाँ-जहाँ पे problems दिखाई दे, जहाँ-जहाँ पे भी target achieve ना हो, उस जगह पे हम लोग actions लेंगे. बाकी तो जैसे 20 का fix किया है, 20 ही वो बना रहा है, तो it's not a big issue. ठीक है, वो कोई problematic बात है ही नहीं. The managers should ascertain whether these deviations are within the permissible range or outside. Corrective actions becomes necessary only of the deviations which all fall outside the permissible range. जो जहाँ तक हमारे control में है, तो उसको हम लोग control कर सकते हैं, तो उसे control कर लिया जाएगा. ठीक है, मतलब वो out of range है, तो वो maybe थोड़ा problematic हो सकता है. ठीक है, detecting the reason for the deviations, reason find out करना. ठीक है, कि किस वजह से उन लोगों ने ये नहीं कर पाए. Before taking any corrective actions, manager should try to ascertain the reason of occurrence. Reason find out करते हैं. ठीक है, reason for the occurrence of deviation. The faulty may be that standard fixed were unattainable rather than the subordinates. ठीक है, जो भी हम लोग standards बनाते हैं वो रीजनेबल होने चाहिए. ठीक है, ऐसा नहीं कि ज्यादा हाई हो जाए, ज्यादा कम हो जाए. जैसे मैंने पहले बताया था, फॉल्टी में भी अगर फर्स्ट स्टैंडर्ड जो है फॉल्टी हुए, तो उसकी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है. एफिशिएंसी, अगेन द डेविएशंस माइट हैव बीन कॉज्ड बाय द नेचर ऑफ इंस्ट्रक्शंस इशूड बाय द मैनेजर रदर देन ड्यू टू द सबऑर्डिनेट्स मिस्टेक. हेंस इट इज इनिशियल दैट द रीजन व्हिच कॉज्ड द डेविएशन बी असर्टेन एंड टू डिटरमाइन द एप्रोप्रिएट एक्शंस. ठीक है, करेक्टिव एक्शन सबऑर्डिनेट से जो मिस्टेक्स हो रही हैं, सो हम लोग को मतलब इन्होंने बताया है कि डेविएशंस माइट हैव बीन कॉज्ड बाय द नेचर ऑफ इंस्ट्रक्शंस. जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उसके हिसाब से हम लोग डेविएशंस को कंपेयर करते हैं. इश्यूड ऑफ द मैनेजर रेदर देन ड्यू टू द सबऑर्डिनेट्स मिस्टेक. किसी सबऑर्डिनेट्स के मिस्टेक के अलावा उसके मिस्टेक्स ना हो, वैसे स्टैंडर्ड जो फिक्स किए हैं उसके हिसाब से है. हैज इट इज इनिशियल दैट द रीजन व्हिच कॉज डेविएशन. तो हम लोग जो रीजन फाइंड आउट करते हैं जिसकी वजह से मतलब ये डेविएशन जो भी डिफरेंस आया है, असर्टेन टू डिटरमाइन द एप्रोप्रिएट करेक्टिव एक्शन, तो उसके हिसाब से हम लोग करेक्टिव एक्शंस अप्लाई कर सकते हैं. उसके बाद फिफ्थ वाला जो है करेक्टिव, टेकिंग करेक्टिव एक्शंस वंस द कॉज फॉर डेविएशन बिकम्स नोन. एक बार अगर हमें पता चल गया है कि किस वजह से डिफरेंस आ रहा है,
नेक्स्ट स्टेप इज टू गो इन फॉर द करेक्टिव एक्शंस व्हिच मे इन्वॉल्व रिवीजन ऑफ स्टैंडर्ड्स, चेंजिंग द मेथड ऑफ सिलेक्शन, ट्रेनिंग ऑफ वर्कर्स, प्रोवाइडिंग बेटर मोटिवेशन एज स्टैंडर्ड अर्लियर. मैनेजर शुड कॉन्सेंट्रेट ओनली ऑन मेजर डेविएशंस. द माइनर डेविएशंस, deviation within the permissible range should not be cause of anxiety. The rectification of deviation from the standard should be undertaken promptly so that the further losses are avoided. मतलब के यहाँ पे क्या है, जो भी problems हुए हैं, ठीक है, जो भी मतलब differences आए हैं, so अब वो differences आए हैं उस पर क्या actions लिए जाए, या तो फिर हम लोग employees को क्या method change करके दे, या फिर हम लोग उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करें, ठीक है, प्रोवाइडिंग बेटर मोटिवेशन. अगर उनको मोटिवेशन देने से अगर वो इंप्रूव कर रहे हैं तो मोटिवेशन दे दिया जाए. किसी भी तरीके से ये डिफरेंस को है कवर करना है. अगर ट्रेनिंग देने की जरूरत पड़ी, ट्रेनिंग के लिए अगर खर्चा करने की जरूरत पड़ रही है तो ट्रेनिंग देनी चाहिए, जिसकी वजह से अगर परफॉर्मेंस इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज करो. द रेक्टिफिकेशन ऑफ डेविएशन फ्रॉम द स्टैंडर्ड शुड बी अंडरटेकन प्रॉमप्टली so that the further losses are avoided. So, जब भी जो भी हमें actions लेने की जरूरत पड़ती है, actions लेने ले लेने चाहिए, जिसकी वजह से क्या होगा कि in future जो भी losses होने वाले हैं, ठीक है, losses होने वाले हैं, उसको हम क्या करें, avoid कर सके. इसलिए जिस वक्त जिस चीज का importance लगे, जो चीज की जरूरत पड़ती है, training देने की जरूरत है तो training दो. उनको motivation से अगर वो समझ जाते हैं तो motivation देकर कर लो, या फिर जो production का method है उसको हम लोग change कर दे, तो भी हम लोग corrective actions लेने हैं. किसी ना किसी तरीके से actions लो और वो जो भी loss होने वाला है उसको हम लोग बचा सके, मतलब avoid कर सके, ठीक है. तो ये सारे जो करेक्टिव एक्शन जो भी हम लोगों ने देखा, फिर दिस इज द प्रोसेस, ठीक है, प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग, किस तरीके से कंट्रोलिंग किया जा सकता है. सो 14.6